नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके टेन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्स, बहुत अच्छा वीक है आपके लिए, आपकी एनर्जी मुझे काफी अच्छी लग रही है, बहुत पॉजिटिव। बॉटम में आया है क्वीन ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ कप्स, कह ही रही हूँ मैं ये वीक आपके लिए काफी अच्छा है। वीक का तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे काफी पॉजिटिव लग रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मेरा इंट्यूशन मुझे बोल रहा है कि आप से पहले वाले वीक में कुछ तो भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, मे बी आपके पेंटिकल से रिलेटेड अभी तक आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, तो मे बी इसके पहले वाले वीक में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल गई है, तो आप उसको इस वीक में काम करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब मैं कहूँ अगर तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गया है किसी पर्सन का, और ये पर्सन मुझे कुछ बड़े लग रहे हैं एज में, उन्होंने आपको गाइड किया है कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, अगर लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए है तो आपको क्या चूज करना चाहिए, बिजनेस बेटर है या आपका एजुकेशन बेटर या आपका जॉब बेटर है, तो इन्होंने आपको बहुत ज्यादा गाइड किया। तो इस वीक में आप मतलब सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके, क्योंकि आप डिसीजन ले चुके हैं अपनी लाइफ का। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है, तो ये यही शो कर रहा है कि से पहले वाले वीक में या इस वीक में आप डिसीजन ले चुके हैं कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। देख रहे हो यहाँ पे एक ही वॉन्ड लिए हो आप, ऐसा नहीं कि आप अभी भी कंफ्यूजन के मोड है, मुझे कोई भी कंफ्यूजन नजर नहीं आ रहा है, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं है आपके माइंड में। अगर होगा भी थोड़ा बहुत तो इस वीक में वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फोर ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है, तो ये यही बता रहा है कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड काफी अच्छे काम कर पाएंगे और सही डायरेक्शन में आप इस वीक में आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये तो मुझे पेंटिकल से रिलेटेड नजर आया, और एक चीज और मुझे यह नजर आ रही है कि आप काफी ज्यादा खुद पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, खुद का नॉलेज बढ़ाना, एजुकेशन बढ़ाना, खुद पे काम करना। अभी तक अगर आप डिमोटिवेटेड फील करते थे तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे इस वीक में। क्या रहता है ना कि आप जितना ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज हो जाता है, लेकिन आप यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ काफी ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस वापस से रिकवर हो गया, क्योंकि आप मोटिवेटेड हो गए हैं वापस से, समझ रहे हो ना। पहले अगर आप कोई नेगेटिव चीजों को लेके आपको समझ में नहीं आ रहा था ना कि क्या करना चाहिए, बट इस वीक में आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लग रहे हैं मुझे। काफी अच्छा वीक है आपके पेंटिकल से रिलेटेड। अब मैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बात करना चाहूंगी। देखिए यहाँ पे दो कार्ड अगर पेंटिकल के आए हैं तो दो कार्ड यहाँ वॉन्स के आए हैं। आप बहुत बैलेंस बना के चल रहे हैं अपनी लाइफ में, पेंटिकल्स को भी प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे भी प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पे भी प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, जहां ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान दे रहे हैं। सीधी बात, ऐसा नहीं कि सिर्फ लव लाइफ पे ही आपका फोकस है, आपके पेंटिकल्स तो साइड में चले गए, उस पर ध्यान ही नहीं आपका, ऐसा बिल्कुल नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, दोनों को बैलेंस वे में लेके चलना चाहिए। तो आप काफी ज्यादा बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं दोनों में। अब मैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड बताऊं तो इस वीक में आपके पार्टनर या आप सोच सकते हैं कोई बड़ा स्टेप लेने का, क्योंकि अभी तक जो भी चलता आया, आई डोंट नो जैसी भी सिचुएशन रही हो, कुछ लोगों की लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन होगी और कुछ लोगों की लाइफ में कुछ हैप्पी मोमेंट भी होंगे, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत टेंशन भी चल रही होगी, तो वो इस वीक में शॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है मुझे, क्योंकि यह स्टेबिलिटी का कार्ड आया है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इस वीक में आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, मे बी आप अपने पार्टनर से रिकनेक्ट हो सकते हैं। इसके पहले वाले वीक में आप शायद ना हो पाए हो कनेक्ट, जो कनेक्ट हो गए हो उनके लिए तो ऐसा है कि वन स्टेप अहेड ही रहेंगे अगर वो कनेक्ट हो चुके हैं, और जिन लोगों का अभी तक कनेक्शन मेंटेन नहीं हो पाया है तो वो मे बी इस वीक में कनेक्शन उनका वापस से रिकनेक्ट हो सकते हैं। और आप काफी अच्छा कम्युनिकेशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप में जो डिस्कशन होगा वो आपके पेंटिकल से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, मैरिज कमिटमेंट रिकंसिलेशन, इन सभी चीजों से रिलेटेड आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है इस वीक में। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में चल रहे हैं। फिलहाल आप तो काफी ज्यादा पॉजिटिव है भाई, कोई नेगेटिविटी नहीं है, थोड़ी बहुत होगी भी तो वो शॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि कुछ एल्डरली पर्सन आपके साथ है, मे बी आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो
आपके घर के बड़े हैं वो आपका बहुत साथ देते हैं, मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। छोटे छोटे डिसीजन अगर आप उनसे डिस्कस करते होंगे तो आपको सही रास्ता बताते होंगे, और ये इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती है कि उनसे अच्छा डिसीजन अपनी लाइफ का और कोई नहीं ले सकता। अपने घर के ही मेंबर्स, जो बड़े मेंबर्स होते हैं, वो अपने लिए हमेशा सही ही सोचते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। उनके हाथ में भी पेंटिकल है भाई, वो भी अपने पेंटिकल पे फोकस कर रहे हैं, अच्छी चीज है। दोनों बहुत फोकस्ड नजर आ रहे हो। देखिए फिर पेंटिकल, मैं कह रही हूँ आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा पेंटिकल पे ध्यान दे रहे हैं, वो भी अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। फिलहाल वो जरूर थोड़े स्लो तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उनका फोकस मेन अपना करियर ना पेंटिकल मनी पे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया है 9 of Wands का, इसके ऊपर आया 4 of Wands। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। मे बी मैं बता चुकी हूँ आपको कि अभी तक कुछ लोगों के पास अगर कम्युनिकेशन नहीं आया होगा तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि उनका फोकस भी जैसे आपका फोकस पेंटिकल्स पे है ना, वैसे वो भी पेंटिकल पे फोकस कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन वो कनेक्शन आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं वापस से, आपको ही कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, और बॉटम में क्या एनर्जी निकल के आई है, एम्प्रेस की, उसके नीचे क्वीन की, मतलब एक से बढ़ के एक एनर्जी आई है। ठीक है, तो जिनका मैं बता चुकी हूँ कनेक्शन नहीं हुआ है वो वापस से रिकनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। जो ऑलरेडी कनेक्शन में है लेकिन कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही है तो शॉर्ट आउट हो जाएगी। और जो मैरिड है उनके लिए मैं बता रही हूँ, उनके अगर फाइनेंसेस थोड़े से वीक चल रहे होंगे, इस वजह से थोड़ी टेंशन चल भी रही होगी ना, तो वो फाइनेंसेस इम्प्रूव हो जाएंगे इस वीक में, क्योंकि दोनों के साइड से पेंटिकल का कार्ड निकला है, तो दोनों ही काफी हार्डवर्क कर रहे हैं अपने पेंटिकल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो जिस टाइप की भी टेंशन है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। और आपके पार्टनर आपको एक एम्प्रेस की तरह समझते हैं। एम्प्रेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल बैठने के लिए है। आप क्योंकि मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, आप मेल या फीमेल जो भी हो, आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। मतलब मैं बता चुकी हूँ ना स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कि आप बैलेंस बना के चल रहे हो अपनी लाइफ में, बिल्कुल बैलेंस बना के चल रहे हो। अपने पेंटिकल्स पे भी ध्यान दे रहे हो, अपनी लव लाइफ पे भी ध्यान दे रहे हो, और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं आपकी, मतलब जो घर की नॉर्मल जो चीजें होती हैं, घर पे भी ध्यान दे रहे हो, अपने फैमिली मेंबर्स पे भी ध्यान दे रहे हो, है ना। तो आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड पर्सन मुझे लग रहे हैं। इस वजह से आपके पर्सन ना वेट कर रहे हैं तो आपका ही कर रहे हैं कि आपको रिकनेक्शन आपसे कैसे मेंटेन किया जाए। ठीक है, काफी अच्छी एनर्जी निकल के आई है। अब देखते हैं कि क्या कोई एक्शन वो ले सकते हैं इस वीक में, क्योंकि देखिए यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ वो मूव तो कर रहे हैं आपके साइड, बट बहुत स्लो एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल के साथ सोच रहे हैं यहाँ पे आपके साइड मूवमेंट लेना, यहाँ सोच रहे हैं, तो यहाँ उन्होंने एक्शन लिया भी है तो बहुत स्लो लिया है, और यहाँ तो थिंकिंग मोड में है ही। ठीक है, तो देखते हैं कि इस वीक में कोई एक्शन ले सकते हैं क्या वो आपके साइड। अगर कम्युनिकेशन होता भी है तो क्या होगा, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंसेस से रिलेटेड आपका कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, 9 of Swords, 2 of Wands, नाइट ऑफ Wands इन बॉटम में आया है, 7 of Cups। अभी बीच में मैंने आपको बताया था रीडिंग के कि वो आप दोनों के बीच में कोई फाइनेंसिस को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, वीक चल रहा है फाइनेंसिस, उसको लेके अगर इनकी लाइफ में कोई टेंशन होगी भी तो वो उस टेंशन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे, या उन्हें कुछ रिसोर्सेज ऐसे मिल जाएंगे कि उनको समझ में आ जाएगा कि उनको भी कैसे अपने फाइनेंसिस को इंक्रीज करना है। ऑप्शंस उनके पास ओपन हो रहा है, जैसे ही उनका माइंड इन सारी चीजों से, इन सारी टेंशन से निकलेगा, वो आपके साइड एक्शन लेंगे। और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल है तो यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे स्पीड उनकी बहुत स्लो है आपके पास आने की, लेकिन यहाँ पे वो बहुत फास्ट तरीके से आपके पास आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो टेंशन थी उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, वो शॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है। ऑप्शंस उनके पास एक्सप्लोर हो रहे हैं, वो ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे जैसे वो अपनी लाइफ की चीजों को रिजोल्व करते जाएंगे वो आपके साइड एक्शन 101% लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है इस वीक में। फिर पेंटिकल का मैं कह ही रही हूं, आप ना आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दीजिए। जो एफर्ट्स आपने लगाए हैं इस वीक में, आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। मे बी आपने कोई एग्जाम दिया हो, या आपका कोई एग्जाम हो सकता है, या बिजनेस में भी आप कोई चीज
को एक्सपांड कर सकते हैं अपने बिजनेस को, जो भी चीज आप करेंगे वो रिजल्ट आपका काफी पॉजिटिव निकलने वाला है इस वीक में। बहुत फोकस्ड है एक्चुअली आप, मैं आपको इस रीडिंग में 3-4 बार बोल चुकी हूँ कि आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज्यादा बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आपसे तो सीख लेना चाहिए बाकी सारी राशियों के लोगों को, जहां टेंशन लेना चाहिए। देखिए ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल के आया, आपके पार्टनर के साइड से निकल के आया, वो जरूर टेंशन ले रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन आप कोई टेंशन में मुझे नजर नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपको पता है टेंशन लेना इज नॉट द सॉल्यूशन। जब तक आप कुछ काम नहीं करेंगे, जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तो बताइए रिजल्ट कैसे मिलेगा, है ना। ये चीज आप काफी अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि दो दो बार यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल विथ एम्प्रेस कार्ड, दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आप काफी ज्यादा फोकस्ड हैं, काफी ज्यादा खुद पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है आपने, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एम्प्रेस कार्ड है तो सिर्फ फीमेल्स के लिए, ये मेल या फीमेल कोई भी एनर्जी हो, आप बहुत ही ज्यादा सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना आपने चालू कर दिया है। किंग एंड क्वीन दोनों की क्वालिटी आप में आ गई है, ठीक है। और बॉटम में आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। अब आपको मुझे लग रहा है कि कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कोई कौन आपकी लाइफ में आता है, कौन आपकी लाइफ से जाता है, किसने आपको एंडिंग दी है, यू डोंट केयर। और सही बात है, इसको लेके बैठोगे ना तो अपनी लाइफ में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इसके नीचे कार्ड देखिए आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। आपने, वही कह रही हूँ, आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, इस सिचुएशन से आगे बढ़ चुके हैं। ये आपके लिए, अब पिछले वीक तक आप इस सिचुएशन में होंगे 10 ऑफ सॉर्ड्स की, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको को क्या करना चाहिए मे बी, लेकिन आपने इस सिचुएशन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। अब आपने डिसाइड किया कि आपको खुद पे ध्यान देना, पेंटिकल्स पे ध्यान देना, और रही बात आपके पार्टनर की, वो आपके पास आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी एनर्जी के पर्सन को कोई नहीं छोड़ सकता।